कैसे हैं गाइस, मैं हूं प्रेम सागर। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से नए स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि गाइस इसी महीने लॉन्च किए जाने वाले, उसी के बारे में कुछ चर्चे करेंगे। और इस नए स्मार्टफोन के जाने की गाइस कह सकते हैं एम सीरीज और ए सीरीज में, दोनों ही सीरीज में आपको 5G के नए स्मार्टफोन इस महीने देखने को मिलेंगे। जैसे गाइस आपको मैं ऑलरेडी सैमसंग के ए सीरीज के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सैमसंग के ए सीरीज में जो सैमसंग का A52 की 5G के बारे में पूरी तरह तैयारी चल रही है, जो कि आपको ऑलरेडी 4G का वेरियंट का मिल चुका है। अब इसे बात चल रही है कि 5G स्मार्टफोन सैमसंग A52 को कब लाया जाएगा और उसे कब क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, ऐसे बातें सब कुछ चर्चे चल रही हैं। हालांकि मैं इसके बारे में ऑलरेडी आप सभी को जानकारी भी दे दूंगा हूं, उसकी कब स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा सकता है, इसमें फीचर्स क्या हो सकते हैं ऑलरेडी इसकी जानकारी दे सका। हालांकि एक और इन्फॉर्मेशन दे दो कि ये स्मार्टफोन इसी महीने के अंत तक लॉन्च किए जाने की लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। और इस साथ में गए सब सैमसंग की एम सीरीज से भी एक बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि सैमसंग के एम सीरीज में सैमसंग के M42 जो 5G स्मार्टफोन की पूरी तरह तैयारी निकल के आ चुकी है। अब इसी स्मार्टफोन को लॉन्च के लेकर यह है कि इस जैसे कि 5G एक गाइस सैमसंग गैलेक्सी M42 की बात लेकर, तो सैमसंग के M42 को गाइस इसी महीने के लास्ट तक अंत तक लॉन्च किए जाने की बातें चल रही है। और सैमसंग के M42 गाइस सैमसंग के A42 का ये अपग्रेड वर्जन बताया जा रहा है कि ये अपग्रेड वर्जन होने वाला है, जो कि सैमसंग M42 ये 5G वर्जन है। इसके फीचर मिलते जुलते फीचर्स होंगे, हालांकि उसमें जो प्राइमरी कैमरा दिया गया 48 मेगापिक्सल A42 में दिया गया, लेकिन इसमें उम्मीद यह है कि इसमें जो प्राइमरी कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हो सकता है। वही हालांकि इसकी बैटरी और चिपसेट के बारे में कुछ लीक्स निकल के आ रही है सैमसंग M42 के लेकर, जो 5G के लेकर इसकी जो चिपसेट बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 750G का प्रोसेसर इस्तेमाल किया जा सकता है। वही साथ में 6000mAh की बैटरी को भी उम्मीद की जा सकती है। वही इसमें आपको फुल LED स्क्रीन 6.6 इंच का देखने को मिलेगा। वही साथ में आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिल सकती है, यानी कि एंड्रॉइड 11 के पार बेस पे ये काम करने वाला, जो कि 6GB रैम के इंटरनल स्टोरेज 6GB रैम के साथ देखने को मिल सकता है। यानी कि कह सकते हैं जो इसकी जो अब कैमरा हमारा बात करते हैं, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके कैमरा के बारे में कुछ उतनी जानकारी नहीं मिल पाई है। यही एक छोटी सी जानकारी थी जो सैमसंग गैलेक्सी M42 और A52 5G से आ रही थी। तो गाइस आप लोग बताइएगा सैमसंग के 5G के स्मार्टफोन के बारे में कौन कौन लोग वेट कर रहे थे। तो उम्मीद है गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।